श्री नित्यानंद प्रभु की जय। इस कली युग के पावन अवतारी श्री चैतन्य महाप्रभु के साथ में नित्यानंद प्रभु जो बलराम हैं और जगत में हरिनाम और कृष्ण प्रेम की वर्षा करने के लिए चैतन्य महाप्रभु को शाहिद किए। जब चैतन्य महाप्रभु जगाई मधाई को मारने जा रहे थे तो नित्यानंद प्रभु उनसे निवेदन किए कि आपका अवतार हुआ है पतित जीवों का उद्धार करने के लिए। पतित पावन हेतु तब अवतार, आपका अवतार है पतितों का उद्धार करने के लिए। अन्य अवतारों में आपने तो मारा है, राम अवतार में, अवतार में, बामन अवतार में, वराह अवतार में, कच्छप अवतार में, परशुराम अवतार में बहुत सारे असुरों का आपने वध किया है। इस अवतार में आपने संकल्प लिया है कि मैं कोई अस्त्र नहीं उठाऊंगा, हरिनाम रूपी अस्त्र से सबका उद्धार करने के लिए आए हैं। तो नित्यानंद प्रभु के निवेदन से श्री चैतन्य महाप्रभु जगाई मधाई को हरिनाम के द्वारा प्रेम संचारित किए। हाँ प्रभु नित्यानंद प्रेमानंद सुखी कृपा अवलोकन कर आम बड़ दुखी। नित्यानंद प्रभु सभी जीवों को अपनी कृपा अवलोकन करते हैं और हरिनाम रूपी प्रेमामृत को आस्वादन कराने में समर्थ बनाते हैं। गुरु के भूमिका में नित्यानंद प्रभु हैं, जीवों को समर्थ बनाते हैं। श्री चैतन्य महाप्रभु के द्वारा प्रचारित या प्रवर्तित जो हरिनाम संकीर्तन है उसमें जीवों को लगाने के लिए उसमें रसास्वादन की आवृत्ति और अनर्थ की निवृत्ति करने के लिए नित्यानंद प्रभु हमें समर्थ बनाते हैं, हमें योग्यता प्रदान करते हैं। तो नित्यानंद प्रभु बहुत कृपालु हैं जो चैतन्य महाप्रभु को अपने प्रार्थना से उनको प्रेम दान करने के लिए पतित जीवों को इनाम के द्वारा उद्धार करने के लिए उत्साहित करते हैं। तो नित्यानंद प्रभु बहुत दयालु हैं, जिनकी दया के पात्र जगाई मधाई जैसे पतित जीव भी वे उनको भी श्री चैतन्य महाप्रभु हरिनाम से कृष्ण प्रेम में शराबोर करती है। कल नित्यानंद प्रभु का त्रयोदशी है, कल नित्यानंद प्रभु धराधाम पर आकर के जगत में कृष्ण प्रेम को उद्घाटित किए और कृष्ण प्रेम में सभी जीवों को भागीदार बनाए। जाति पाति का ऊंच नीच का कोई भेद किए बिना सबको सामान्य रूप से कृष्ण भक्ति में विशेष करके हरिनाम के प्रति लोगों ने भाव उद्रेक किया है। इसलिए नित्यानंद प्रभु बड़े दयालु हैं और विशेष करके इस अवतार में चैतन्य महाप्रभु के साथ अर्थात कृष्ण के साथ आए हैं और सिर्फ बद्ध जीवों का उद्धार कराने के लिए चैतन्य महाप्रभु को याद दिलाते हैं। इस अवतार में आप किसी का वध नहीं करेंगे, चैतन्य महाप्रभु प्रतिज्ञा लिए थे। राम अवतार में दंडकारण्य में संकल्प लिए कि मैं सब असुरों को मार डालूंगा। जब चित्रकूट से दंडकारण्य होते हुए पंचवटी में आए तो दंडकारण्य के जंगलों में असुरों ने ऋषि मुनियों को खाकर हड्डी का ऐसे ढेर लगाया था, कंकाल लगा हुआ था। ऋषि मुनियों का कंकाल देख करके रामचंद्र जी संकल्प लिए कि असुरों से विहीन कर दूंगा, पृथ्वी में असुरों को नहीं रहने दूंगा, इनको मार दूंगा। तो उस समय सीता जी ने भी निवेदन किया था कि हमेशा मार काट ही करिएगा, मारने से अच्छा इनकी चेतना बदल दीजिए, इनका प्रवृत्ति। सीता जी ने कहा कि सभी अवतारों में, राम अवतार हो चाहे वराह अवतार हो कच्छप अवतार हो परशुराम, सब अवतारों में आपने तो मारा ही है, इससे क्या फायदा हो रहा है। इनको आप इनके जो प्रवृत्ति है इनकी चेतना को बदल दीजिए, इनको ट्रेनिंग दीजिए, अवसर दीजिए सुधरने के लिए। तो उस समय सीता जी ने निवेदन किया था, तो उस निवेदन पर लक्ष्मण जी भी सहमत हुए कि नहीं सही बात है, इनको मारने से अच्छा है, जान मारने से अच्छा है ना इनकी प्रवृत्ति को बदल देना, इनको भक्त बना देना। तो भक्त कैसे बनेंगे, तो भगवान भक्त के रूप में आए, भगवान भी भक्त बनाने के लिए भक्त बन करके आए। पहले भक्त बनेंगे तभी ना भक्ति का प्रचार करेंगे। तो नित्यानंद प्रभु वही याद दिलाए कि आपने संकल्प किया था लेकिन इस अवतार में आपका संकल्प है कि किसी को नहीं मारूंगा। तो नित्यानंद प्रभु बीच बीच में से याद दिलाते थे या हरिनाम के द्वारा लोगों का उद्धार कीजिए। जगई संकीर्तन प्राय यजंती ही सुमेध, आप तो हरिनाम रूपी अस्त्र के साथ आए हैं और संकल्प लिए हैं कि अब किसी को मारूंगा नहीं, उसके प्रवृत्ति को बदलूंगा। तो नित्यानंद प्रभु के निवेदन पर चैतन्य महाप्रभु अनेक पतित जीवों का उद्धार कर रहे हैं हरिनाम के द्वारा। और आज तक चैतन्य महाप्रभु द्वारा प्रवर्तित जो संकीर्तन यज्ञ है के द्वारा श्रील प्रभुपाद जी पूरे दुनिया में
हरे कृष्ण आंदोलन के द्वारा बद्ध जीवों का उद्धार हरिनाम के द्वारा, नित्यानंद महाप्रभु की, नित्यानंद त्रयोदशी की, श्री प्रभुपाद की।